अपना शस्त्र, ये किसी चीज ये मक्की की रोटी, ये शस्त्र हमें असाइन हो चुका है। सो हे हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केन छो पैरी पौना एंड व्हाट्सअप, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप देख रहे हैं यूटीवी और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी नई वीडियो में। तो कैसे हो मित्रों, ख़त्म हुई इंट्रो। तो अभी बजे है सुबह के 5 और ये है एक व्लॉग जिसमें काफ़ी टाइम हो गया है कोई व्लॉग नहीं डाला है, तो मैं एक व्लॉग डाल रहा हूँ जिसमें कि एक रैंडम डे घर में कि मैं पूरे दिन क्या करता हूँ, एक रैंडम डे कि आज पता नहीं क्या क्या काम होगा, कोई पता नहीं है। तो ये एक रैंडम व्लॉग है जो कि मैं सिर्फ शूट कर रहा हूँ कि पूरे दिन मैं क्या क्या काम करता हूँ। तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है, ये जो पीछे है अब मैं इसको आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो मेरी रात कटी थी इस आलिशान महल में, क्योंकि ये है जगाली, रात को करनी पड़ती है जगाली, और अपने साथ रहता है अपना ये वो चल 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 आ जा। तो गाइस ये है मेरे शिमला मिर्च, और ये जो छोटी छोटी दिख रही है ना, ये छोटी नहीं होनी थी, ये भी इनकी तरह ही थोड़ी बड़ी होनी थी, लेकिन रात को जानवर आते हैं जो कि इसको खा जाते हैं ऊपर से, जिसके कारण ही करनी पड़ती है जगाली। तो ये देख रहे हो गाइस, ये है अपना शस्त्र, ये किसी चीज़ को मारने के लिए नहीं, ये हो चुका है तैयार, क्योंकि सुबह सुबह अभी करनी है हमें गुडाई शिमला मिर्च की, उसका देखते हैं कि पूरे दिन क्या होता है। तो पहले करते हैं गुडाई शिमला मिर्च की, थोड़ी शिमला मिर्च रही है और उसके बाद पता नहीं क्या होगा, क्योंकि रैंडम डे है, फुल डे व्लॉग है। ये है खाद, ये डालनी है शिमला मिर्च में, रैंडम डे व्लॉग में देखते हैं पूरे दिन क्या होता है। Few moments later. तो ये है गुडाई की गई शिमला मिर्च। तो अभी शिमला मिर्च की गुडाई हो चुकी है ख़त्म, और बच गए हैं तकरीबन 9। अभी चलते हैं घर, और अभी तो जो नेक्स्ट है वो हमें जाना है नदी, क्योंकि हमारी जो मोटर है जहाँ से पानी आता है वो हुई है ख़राब, तो उसको चेक करने जाना पड़ेगा नदी को। तो अभी हम दिखाएंगे आपको गिरी गंगा रिवर, और ये है पत्तियाँ जिनको कि पशु खाते हैं, और ये घर ले जानी है, और घर में हम खाएंगे खाना, उसके बाद जाएंगे नदी को। ओए ये है 3 चोर हैं साले, बड़े हो गए चोर। तो ये होता है गांव में अपना ब्रेकफास्ट, ये मक्की की रोटी, ये मक्खन और ये दूध। तो खाना पीना हो चुका है, अभी हम चलेंगे गिरी गंगा रिवर के पास, क्योंकि अपनी मोटर हुई है खराब, लेट्स चेक इट आउट। और ये है नदी, गिरी नदी के किनारे पहुंचते हुए और ये हम गिरी नदी के किनारे पहुंचते हुए, और वो पीछे जो पंप हाउस है जहाँ पे थे हम, यहाँ से जाता है हमारे पानी लुफ्ट किया है यहाँ से हमारे गांव को। यहाँ पे अपनी मोटर हुई थी ख़राब, अभी प्रॉब्लम हो गई है रिजॉल्व, उसमें फंसी थी मछली, मछली को निकाल के मोटर को चला के अभी हम यहाँ पे नहाएंगे नदी में, और उसके बाद जाएंगे घर अपने नेक्स्ट काम के लिए। गिरी नदी है ये, और इसके सबसे खास बात यह कि मैं वाली साइड आया हूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पहुँच गया, अगर पाली साइड जाऊँगा तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में पहुँच जाऊँगा। तो मतलब ये है बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट शिमला और सिरमौर की। तो देखते हैं अब नहाते थोड़ा, फिर चलते हैं घर। ये दो बंदे अब नहाने के लिए जाते हुए, ये हमारे बेटा, ये देखिए इनकी चेस्ट देखिए भयंकर ही खड़े बंदे हैं। ये है खूबसूरत सी गिरी गंगा नदी, और ये हमारे खूबसूरत से विनोद भाई, यहाँ से इधर को है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, इधर को है शिमला डिस्ट्रिक्ट, और ये है बीच में पुल जहाँ से कि मैं स्कूल आता था।
फंस रही मछली, फंस रही है ना, है ना। और कट तो रहा है कुछ भाई ये, और पीछे इसमें डाल रहा है। और ये मछली पकड़ते हुए बंदे इनकी में ये बाघ उबला इनको बोलते हैं मछुआरे, जो मछली का पालन करते हैं। यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा होगा तीन मछुआरे हैं, दो के हाथ में नेट है, एक के हाथ में अपनी लोअर टांग रखी है। ये इनके ठेकेदार है, इन्होंने इनको लाया है दिहाड़ी पे। तो नदी से इशू रिजॉल्व करके अभी हमें आ गया है घर। अब मैं आ गया हूँ घर। अभी मेरे को भेजा ये थोड़ा सा घास है, मम्मी ने काट के लाया था, इसको ले जाना है घर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या काम होता है साइन। अभी बजे है दिन के 12। अब दिन तक के सारे काम होते हैं ख़त्म, और अभी जाते हैं थोड़े घूमने फिरने अपने चाचू के घर तक बाइक पे। शाम तक वापस आएंगे 3-4 बजे तक, और उसके बाद फिर से देखेंगे खेत में कुछ काम और करेंगे कुछ काम। तो गुड इवनिंग गाइस, आप देख रहे हैं एक रैंडम डे इन विलेज। कि रैंडम डे में विलेज में क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो दिन के रेस्ट के बाद अभी शाम का जो काम लिए काम असाइन हुआ है वो है आज बीन तोड़ना है, फ्रांस बीन तोड़ के मंडी भेजने हैं। अभी तो मैं आया हूँ बैल लेने, अपने बैल दिखा देता हूँ, पशु लेने। पशु को खोला जाएगा जंगल में और बीन की तोड़ाई की जाएगी, बीन तोड़ जाएंगे आज। चल तो खेत ले जाना पड़ता है एक गोबर का किला, और सीधे जाना पड़ता है खेत। अभी हम बीन के खेत में पहुंच चुके हैं, अब बीन तोड़ेंगे फिर नेक्स्ट काम देखते हैं। ये है बीन का खेत। A few moments later. तो इसी के साथ बीन तोड़ने का काम हो गया है खत्म, अब करते हैं कोई नेक्स्ट काम। और ये जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ये है मेरी आमा। हेलो आमा जी, बहुत व्यस्त है फीन की फसल में काम करते हुए। मजाक लग रहा हूँ करता है, तुम्हें सही सोच मजाक लग रहा हूँ करता। तो बीन तोड़ने के काम करने के बाद अभी आ रहा है नेक्स्ट काम। मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट काम, छोटा सा काम है। देख रहे बारिश हो रही है, ये बारिश नहीं हो रही, मैं दिखाता है क्या काम है। इसको कहते हैं स्प्रिंकलर, सभी बंदे इसको जानते होंगे, और कोई नहीं जानते होंगे तो देखिए ये है टाइम बचाने का तरीका, इससे हो रही है सिंचाई। तो अभी ये बदल के आगे लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट काम करना है। तो ये लग गई है अपनी स्प्रिंकलर यानी चरखी, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ। तो अपने नेक्स्ट काम के लिए शस्त्र हमें असाइन हो चुका है। जो तो गाइस अपना नेक्स्ट काम है उसमें इस शस्त्र, इस हथियार, इस औजार का यूज़ होगा, जिसको कि हम कहते हैं फरुआ। मैं बताता हूँ इससे क्या काम करना है। इससे बनाने हैं जो शिमला मिर्च की सुबह गुडाई हुई है उसके लिए बनाना है पैच, जिसमें कि पानी रुकता है सिंचाई के टाइम, काफ़ी दिन तक नमी बनी रहती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पिछड़े बने हुए हैं वहाँ से मैं आपको क्लियर करता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली पैच। तो जैसे ये बने हैं ना ये खड्डे से इन शिमला मिर्चों के बीच, वैसे ही बनाने हैं इससे आगे वाली शिमला मिर्चों के बीच। ये है अपना नेक्स्ट वर्क। तो अभी आप बने रहिए। अब नेक्स्ट वर्क ख़त्म करने के बाद देते हैं नेक्स्ट अपडेट। अभी तो आप बने रहिए वीडियो में। बट जो दिन है ना काफ़ी बड़ा होता है, घर में दिन काफ़ी बड़े होते हैं क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं। अभी जो रियल टाइम हुआ है वो है शाम के 6:30, और ये मेरे को पूरा करना ही करना है। चलिए मिलते हैं। A few moments later.
तो काम करके आ गए हैं घर, लेकिन अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है। खाते हैं खाना और चलते अपने लास्ट काम पे, जो कि है सोने का। तो गाइज, खाना खाने के बाद मैं आ गया हूँ वापस अपने खेत, और यहाँ पे होता है अपना दिन का ख़त्म। यह है मेरा शयन कक्ष, यहाँ पे सो जाएगा, पूरी रात को की जाएगी जगाई, और इसी के साथ होता है दिन ख़त्म। ये आज अपना पार्टनर, ये छोटा कुत्ता और दूसरा कुत्ता, और अपना यहाँ खेत में दूसरा पार्टनर है, ये अपना दूसरा डॉगी जो ऊपर सोया है, पहला मैंने नीचे दिखाया है। दोनों अपने साथ रहेंगे। तो टॉर्च लगा के लाइट का प्रबंध किया गया है वीडियो बनाने के लिए। तो जैसा कि ये था हमारा एक रैंडम डे, कि अगर मान लो किसी रैंडम डे मेरे को वीडियो बनानी हो कि मैं क्या क्या करता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, इसलिए ये बनाई गई है कि मैंने बस ऐसे मजाक में बनाई थी कि क्या करता हूँ जरा पूरे दिन, अगर उसको एक वीडियो बनाया जाए तो कैसा रहेगा। तो वीडियो आई थिंक से बहुत अच्छी बनी है, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और ये काम अपना ही काम होता है, इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं होती, ये अपना काम है हमारा। तो इसके साथ मैं आपको यहीं पे अपना दिन ख़त्म होता है, स्प्रिंकलर लगाए, थोड़ी देर में स्प्रिंकलर बंद होगा, यहीं पे मैं सो जाऊंगा, अभी वीडियो एडिट करूंगा। तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, पूरी देखने के लिए। तो मेरे को चाहिए कि आप अगर इस वीडियो पर ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पर, तो मैं ऐसी वीडियो फिर से बनाऊँगा। रिस्पॉन्स चाहिए, कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, अगर 100 से ज़्यादा लाइक आ जाते हैं अपने लिए तो वही बथेरा है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्दी बनाऊंगा, कि एक और कोई रैंडम डे ले लूँगा कि उस दिन क्या होगा जरा मेरे घर में। तो थैंक यू सो मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल अनस्टेबल ब्रेन को। टेक केयर, बाय बाय।